दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपके उस सूखे चारे का महत्व बताया था कि बकरियों के लिए सूखे चारे का क्या महत्व है। आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने जो ज़्यादातर उसमें कमेंट किए थे वो थे कि सर ये सूखा चारा हम बकरियों को खिलाएं कौन सा। तो आज के इस वीडियो में मैं सूखा चारा जो बकरियों को खिलाया जाता है उसको कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सा सूखा चारा आप बकरियों को खिलाएं, यानी सूखा जो चारा है ड्राई फोडर वो कौन सा आप खिलाएं। ठीक है, तो आज हम लेते हैं सूखे चारे की कुछ ऐसी किस्में जो हमें बकरियों को खिलाना चाहिए। नंबर वन जो किस्म होती है वो होती है दलहनी यानी दाल वाले जो पौधे हैं ना, दाल वाले जो उनके जिनसे दालें बनती है उनके जो चारे होते हैं उन्हें हम कहेंगे दलहनी चारे। क्या कहेंगे भाई? दलहनी चारे। तो नंबर वन टॉपिक आता है दलहनी चारे। अब ये दलहनी चारे में कौन कौन से आएंगे भाई? दलहनी चारे में अगर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है चना। चना जो है वो सबसे बढ़िया दलहनी चारा है। चने का चारा आप दीजिए, मटर दे सकते हैं, मटर का चारा यानी दूसरे नंबर पर जो आता है मटर आता है। इसके अलावा आप अरहर का चारा दे सकते हैं, मूंग का, मोठ का, ग्वार का, उड़द का, यानी यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इसके बाद आप अरहर दे सकते हैं, मूंग का दे सकते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में मोठ होता है, मोठ का आप दे सकते हैं। इसके अलावा ग्वार और उड़द ये भी है, आप ग्वार का दे सकते हैं। और इसके अलावा एक होती है सैम का चारा भी आप दे सकते हैं। यानी दलहनी जो पौधे हैं जिनसे दालें बनती है उनका आप ये चारे बकरियों को आप आराम से खिला सकते हैं। आपके एरिया में उपलब्ध कौन से हैं उसके ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो आता है वो आता है ए दलहनी। भाई एक दलहनी हो गया तो ए दलहनी यानी दूसरे प्रकार के चारे जो होते हैं वो होते हैं ए दलहनी चारे, यानी जिनकी दाल नहीं बनती है। जैसे गेहूं का जो चारा है ए दलहनी में आ गया। जैसे गेहूं का भूसा बहुत ज़्यादा चर्चित है, आपको पता ही है गेहूं का भूसा देते ही हैं। बाजरा की कुट्टी, तो गेहूं के बाद हम ले लेते हैं बाजरा, तो बाजरा भी सूखा चारा जो है सीधा भी दिया जाता है। मक्का हो गया है भाई, तो मक्का जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जई ले सकते हैं आप, ज्वार ले सकते हैं। इतनी सारी ये किस्में हैं ए दलहनी चारे की, यानी जई का भी ले सकते हैं आप तो ज्वार का भी ले सकते हैं। इतने सारे ए दलहनी जो चारे हैं उनको आप उपयोग में ले सकते हैं बकरियों को खिलाने के लिए। इसके अलावा बहुत सी पत्तियां, आपको पता है पत्तियां जो है वो बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगली जो हम वैरायटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं पत्तियां, पत्तियों के बारे में। तो पत्तियां भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सबसे बेस्ट जो पत्ती होती है वो है नीम की पत्तियाँ, बबूल की पत्तियाँ, है ना। ये जो है सूखी हुई बहुत खाती है, तो लिख लेते हैं बबूल। नीम की भी खाती है, नीम की पत्तियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से चाव से खाती है। इसके अलावा अगर खेजड़ी को हम हरी पत्ती भी कहते हैं, सूखी भी, अगर सूखी हुई है तो सूखे में भी ले लेते हैं और हरी में भी ले लेते हैं, तो चलिए इसको लिख ही देते हैं। तो खेजड़ी की जो पत्तियाँ हैं सूखी हुई, इनको हरी पत्ती बोलते हैं हालांकि, लेकिन सूखी हुई भी होती है और हरी भी मिलती है, दोनों जो है वो ये सूखने के बावजूद भी काफ़ी हरी रहती है, इस वजह से इसको हरी पत्ती कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बरसीम जो होती है उसकी भी पत्तियां जो है वो तने वगैरह यूज़ किए जाते हैं, रिज़का है वो भी यूज़ किया जाता है। तो ये सूखी जो पत्तियाँ हैं वो आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। या फिर देखिए बबूल नीम हो गया तो क्या बरगद की सूखी हुई काम नहीं आएगी, वो भी खा सकती है। ठीक है, पीपल की सूखी हुई भी खाती है, हालांकि ये पीपल की बबूल सुबबूल ये है ना जो आपके हरी पत्ती हरी जो है उसमें आती है, हालांकि सूखने के बाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सारी पत्तियाँ जो है वो काम में ली जाती है बकरियों को खिलाने के लिए। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो
वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग एरिया में बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं जो मिलती है, इतनी ही नहीं है भाई, हरा चारा इतना ही नहीं है, कुछ एक एरियाज होते हैं जिनमें और भी अलग अलग वेराइटीज मिल सकती है। तो जो भी वेराइटी आपके एरिया में चलती है और बकरियों के लिए अच्छी है वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं।